आरजेडी के अंदर भी पावर गेम चल रहा है। आरजेडी के अंदर ऐसा लगता है जैसे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच कोई टकराव है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच टकराव है या नहीं है, इसको लेकर तस्वीर थोड़ी धुंधली है। तेज प्रताप यादव कहते हैं कि कोई टकराव नहीं है, तेजस्वी मेरे अर्जुन हैं और मैं उनका कृष्ण हूं, तेजस्वी बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच टकराव है। तेज प्रताप यादव अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। तेज प्रताप यादव ने एक पोस्टर लगाया, छात्र आरजेडी की बैठक को लेकर यह पोस्टर लगाया गया जिसमें से तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह दोनों की तस्वीर गायब थी। इस पोस्टर को लेकर बवाल हुआ, बिहार की राजनीति गरमाई, बवाल बढ़ा तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई और रातों रात, यानी आज सुबह, रातों रात नहीं, आज सुबह इस पोस्टर को आनन फानन में हटा दिया गया और आपकी स्क्रीन पर वो नया पोस्टर है जो आज लगा दिया गया है जिसमें राबड़ी देवी हैं, लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं। जाहिर है आरजेडी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आरजेडी के अंदर जो पावर वार है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और जाते जाते हम आपको एक बयान सुना देते हैं तेज प्रताप यादव का, जिससे बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि आरजेडी के अंदर चल क्या रहा है। तेज प्रताप यादव कहते हैं कि जगदानंद, कोई भी राजद का कार्यक्रम हो, कितनो सिस्टम यहाँ बनाना चाहेंगे, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जगदानंद जी, वो भी पूरा सिस्टम बनाएंगे, हिटलर की तरह बोलेंगे सब जगह जाकर के। अब पहली बात की देखिए कि हम पार्टी करा ले, पहले जब आते थे पहले और जमीन और अभी में जमीन आसमान का पूरी तरह से फर्क। पहले क्या था कि पार्टी कार्यालय में जो गेट था खुला रहता था पिताजी, जब पिताजी जब से उधर गए, जब विरोधी लोग फंसा, तब से कुछ लोग अपना अपना मनमानी करना चालू कर दिए। तब मनमानी करना चालू कर दिए तो हम एंट्री करना चालू कर दिए कि भाई जो सच्चाई है मनमानी है, मनमानी किसी की कुर्सी बकौती नहीं है, कुर्सी किसी का नहीं हुआ। हम भी मंत्री रहे, हमको भी पद से हटना पड़ा, इसलिए कुर्सी किसी का नहीं है। हाँ, हमें वैसा छाप छोड़ना चाहिए कि अगर हमारी कुर्सी भी चली जाए तो वो बंदा हमको याद कर सके।